हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में छात्रों की लंबित मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते एबीवीपी इकाई का रोष बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते रोजाना धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भी एबीवीपी के दर्जनों छात्रों ने तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर के बाहर नारेबाजी की और मांगों को मानने के लिए उप कुलपति के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में छात्रों की लंबित मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते एबीवीपीआई इकाई का रोष बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते रोजाना धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भी एबीवीपी के दर्जनों छात्रों ने तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर के बाहर नारेबाजी की और मांगों को मनाने के लिए उप कुलपति के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर एबीवीपी के दर्जनों छात्र छात्राओं ने तकनीकी विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार को जमकर कोसा। एबीवीपी ने चेताया कि अगर जल्द मांगों को नहीं माना जाता है तो एबीवीपी पहले जिला स्तरीय आंदोलन और बाद में प्रदेश स्तरीय आंदोलन शुरू करेगी। एबीवीपी इकाई सदस्य नवनीत सिंह ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार तकनीकी विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा बनाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा मंत्री भूल गए हैं कि तकनीकी विश्वविद्यालय भी उन्हीं के मंत्रालय में आता है, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक तकनीकी शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय की आवाज को विधानसभा में नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से ये विश्वविद्यालय विकास की राह देख रहा है, लेकिन सरकार की उदासीनता की वजह से ये विश्वविद्यालय पिछड़ रहा है। आज तक विश्वविद्यालय को सरकार ने बजट का प्रावधान नहीं किया है, जो कि शर्मनाक है। इसके कारण ये है कि हम पिछले एक महीने से हमारी ये कार्रवाई चल रही है। इसके ऊपर यूनिवर्सिटी जो छात्र संगठन है वो एक महीने से आंदोलन कर रहा है, उग्र आंदोलन पे हम लोग कर रहे हैं। हमारा प्रदर्शन रोज हो रहा है। हमारी ये मांगे हैं कि जो प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है हमारी यूनिवर्सिटी के खिलाफ, जो स्वतंत्रता है उसको हमारी वो छीन ली गई है, हमारे बीसी सर से हमारी पावर्स ले ली गई हैं। जब बीसी के पास पावर्स नहीं है तो वो बीसी किस काम का है हमारा? तो इसके लिए हम रेगुलर आंदोलन कर रहे हैं, जो कि हमारी ये आज भी इसके ऊपर हमारा ये आंदोलन रहा है। आपकी मांगों क्यों नहीं माना जा रहा है? मांगे ये है, मांगों को इसलिए नहीं माना जा रहा है, शायद प्रदेश सरकार चाहती नहीं है कि हमारी मांगे मानी जाए। बट अब प्रदर्शन, अब हम इससे बड़े आंदोलन करेंगे और राज्य स्तर पर आंदोलन करेंगे, जिसके कारण प्रदेश सरकार को हमारी मांगे तो माननी पड़ेंगी। कब होगा ये आंदोलन? ये तो अभी चल रहा है, जैसे कि आज आपने आज भी देखा है, और अब हम एक दो दिन में शायद हमारी जो जिला स्तर पे भी होगा, उसके बाद हमारा अधिवेशन है, उसके बाद हम लोग राज्य स्तर पे इसको लेके आएंगे। अभी हमारा जो था वो था, हमसे जो अनावश्यक फीसें वसूली गई हैं उसके लिए हम लोग, हमारा ज़्यादा आज यही रहा है, फोकस रहा है, और इसके लिए इन्होंने कहा है कि हाँ हम इसके लिए आपकी जो फीस है वो हम उसके लिए आपको रिफंडिंग करेंगे। वही छात्रों की मांगों पर उप कुलपति प्रोफेसर SP बंसल ने कहा कि छात्रों की मांगों को लेकर सरकार से बात की जा रही है और जल्द ही छात्रों की सारी मांगे पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि छात्रों की फीस वृद्धि की मांग को मान लिया गया है, जिसके तहत 3000 रुपए की कटौती की जा रही है। बाकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पत्राचार कर बात की जा रही है। मुझे लगता है कि पहली बार विश्वविद्यालय में कहीं ऐसे कदम उठाए गए हैं जो कि बच्चों के बेनिफिट के लिए हैं। गत वर्ष पहली बार हमने, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली जब भी बनती है वो 2F में आती है, 2F के तहत वो डिग्री देने के लिए भी उसको अधिकार रहते हैं। अगला जो स्टेप होता है वो विश्वविद्यालय का 12B के लिए होता है। तो मुझे ये लगता है कि 12B सरकारी विश्वविद्यालय के लिए 12B में आना, और 12B के लिए कुछ एक नियम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के और केंद्र सरकार के, जैसे कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है या कुछ फैकल्टी पोजीशंस हैं या कुछ ग्रांट है वो मिलनी चाहिए, कुछ डिपार्टमेंट है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष यहाँ पर 8 डिपार्टमेंट, 8 कोर्सेज विश्वविद्यालय में शुरू किए गए थे, ताकि विश्वविद्यालय संपूर्ण रूप से विश्वविद्यालय बने। मैं मान सकता हूँ कि विश्वविद्यालय एक एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी है। एफिलेटिंग का मतलब ये होता है कि द यूनिवर्सिटी कैन एफिलेट द कॉलेजेस। उसी तहत एज बींग एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी, हमारे साथ एफिलेटेड कॉलेजेस भी हैं, हमारे पास साथ इंजीनियरिंग भी हैं, हमारे साथ फार्मेसी भी हैं, और हमारे साथ मैनेजमेंट के भी हैं। और कॉलेजेस को लेकर के हमने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं ताकि कॉलेजेस में एक क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके। जहाँ तक विश्वविद्यालय परिसर का सवाल है, मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय जब शुरू हुआ था 2011 में,
तो कुछ ग्रांट, इनिशियल ग्रांट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो एक्सेल में पहुंचने के लिए बहुत वर्ष लग जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर विश्वविद्यालय के पास होना चाहिए। तो आज तक मुझे लगता है कि सरकार से, अभी मुख्यमंत्री जी ने हालांकि आश्वस्त किया है, मुख्यमंत्री जी बहुत इंटरेस्ट भी ले रहे हैं विश्वविद्यालय को लेकर के, और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि विश्वविद्यालय को ग्रांट दी जाएगी। मैं इस बात से तो बिल्कुल मानता हूं कि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए फीस कम होनी चाहिए। फीस इसलिए कम होनी चाहिए, सरकारी विश्वविद्यालय है और उस तरह की शिक्षा हमें विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए। मेरे पास ग्रांट मिलते ही मैं रिव्यू करूंगा फीस को, और जहां कम होने की कम भी करूंगा। आज हमारी फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी, आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है। जो 3,000 रुपये बाहर विद्यार्थी बोल रहे थे कि 3,000 रुपये हमसे नहीं लिए जाने चाहिए, तो आज हमने ये डिसीजन ले लिया है कि जो 3,000 रुपये हम बिल्डिंग डेवलपमेंट फंड का, हालांकि बिल्डिंग बन रही है, बच्चों के लिए बन रही है, लेकिन फिर भी हमने डिसीजन ले लिया है कि 3,000 रुपये हम अपने बच्चों से, जो कैंपस के बच्चे हैं उनसे नहीं लेंगे, और जो अगर जून में लिए भी हैं तो उनको हम रिफंड कर देंगे। ये हमने डिसीजन ले दिया है। जहां तक उन्होंने आज हमें 4 मांगों पे ये पत्र दिया है, एक तो उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय स्थानांतरण हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारा नवंबर में अगर उसका उद्घाटन हो जाता है तो जनवरी तक कुछ जो हमारी औपचारिकताएं पूरी होनी वो भी हो जाएंगी, और जनवरी में नेक्स्ट सेशन जो है हमारा नए कैंपस में ही लगेगा। एक उनका दूसरा था कि यूजीसी नियमों के तहत यहाँ भर्ती की जाए, ये मैं मानता हूँ। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, सरकार से बातचीत हुई है, और मैं आश्वस्त भी हूँ कि जल्दी हमें ये कुछ पोस्टें मिल जाएंगी, क्योंकि मैं जैसे बता रहा था कि 12वीं में आने के लिए मुझे 5 डिपार्टमेंट मिनिमम चाहिए। 5 का मतलब है कि 4, 2, 1, 7 पोस्टें एक डिपार्टमेंट में चाहिए, इनकी 35 पोस्टें चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि ये 35 पोस्टें मुझे जल्दी मिल जाएगी, ताकि हम 12वीं का स्टेटस हमारे सामने आ जाए। ये भर्तियां भी हम यूजीसी नियम के मुताबिक जल्दी ही कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तीसरा उनका है विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता को बहाल किया जाए। ये एक इशू है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हाल ही में एक हमें लेटर प्राप्त हुआ है गवर्नमेंट से, उस लेटर के तहत उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय जो है अपने लेवल पे कोई भी भर्ती नहीं कर सकता या कोई भी कोर्सेज स्टार्ट नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि ये अधिकार तो हमें एक्ट में ही मिले हैं। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता है, विश्वविद्यालय को स्वायत्तता रहनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर एक्ट के बाहर नहीं होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन मेरी ये बात भी हुई है अभी, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पे कोई खतरा नहीं है और विश्वविद्यालय को पूरी स्वायत्तता मिलेगी। जहां तक फीस स्ट्रक्चर की बात है, मेरे कार्यकाल में एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया है। मेरे आने से पहले या पिछले 7 साल से जो फीस चल रही है वही फीस आज भी चल रही है। इनफैक्ट मैंने आज कैंपस के लिए 3,000 रुपये कम किए हैं।